जब से साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है तब से पूरे विश्व में चिंताएं बढ़ चुकी हैं कोरोना को लेके। कोरोना का ये जो नया स्वरूप है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये पूरे विश्व में तहलका मचा चुका है। अब तक 15 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है और ये कोरोना का न्यू वेरिएंट है। अब इसको देखते हुए काफ़ी चिंताएं भारत में बढ़ गई हैं, युवाओं को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है क्या फिर से भारत में दोबारा लॉकडाउन लगेगा, क्या भारत में फिर से कोरोना की तीसरी लहर आएगी। ये क्वेश्चन युवाओं के दिमाग में क्या बहुत ज़्यादा घर कर गए हैं और युवा काफ़ी परेशान है कि अब क्या होने वाला है भारत में। तो देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत में फिर से दोबारा लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, इसको समझने के लिए आपको आना होगा कुछ पॉइंट्स पे। उन पॉइंट्स को अगर आप समझते हैं तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक टोटल 15 कंट्रीज हैं, टोटल 15 देश हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन पाया गया है। साउथ अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई और 24 नवम्बर को इसका पता चला, 24 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन वेरिएंट पता चला और ये कोरोना का न्यू वेरिएंट है। अब ये 15 देशों में आ चुका है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इन 15 देशों में भारत का नाम अभी शामिल नहीं है, मतलब भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। बट एक बैड न्यूज ये भी है कि एक व्यक्ति जो विदेश से आया था, जो दिल्ली गया, दिल्ली के बाद फ्लाइट से क्या है मुंबई गया, अब उसमें पुष्टि की जा रही है कि भाई उसके अंदर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है या फिर नहीं। अगर उस व्यक्ति में ये वेरिएंट हुआ तो भाई चेक किया जाएगा कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, उसके कौन कौन व्यक्ति संपर्क में आए, उन सब की जांच और टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। बट अभी तक जो सिचुएशन है उसके अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में अभी तक नहीं है। अब क्या भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट आ सकता है? तो देखिए, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों हैं बहुत ज़्यादा, वो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सिचुएशन काफ़ी क्या है, टेंस हो चुकी है, काफ़ी चीज़ें क्या है अभी आपको समझने वाले हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या एनी एक्टिव केस है इंडिया में, क्या कोई एक्टिव केस है इंडिया में ओमिक्रॉन का? तो जैसा मैंने अभी बताया कि आपको अभी तक कोई भी एक्टिव केस इंडिया में नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जो लोग विदेश से आ रहे हैं, जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनका क्या किया जा रहा है? तो देखिए, उनके लिए ये किया जा रहा है कि भाई उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, किया जा रहा है। अब समस्या ये खड़ी है कि जो विदेशी सेवाएं, जो आपकी जो फॉरेन से जो फ्लाइट वगैरह आती हैं, उनको अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है। भारत में विदेशियों का आना क्या है, अभी तक लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या की बात है। कई कंट्रियों ने तो क्या है, अपने देश में जो विदेशी वायु सेवाएं हैं उनको क्या है बंद कर दिया है। जो फ्लाइट्स वगैरह हैं कई देशों ने क्या है बंद कर दी हैं, और इजराइल ने तो अपने देश में विदेशियों पर क्या है बैन लगा दिया है कि भैया हमारे यहाँ कोई ना हो, हमारे यहाँ ओमिक्रॉन लेके मत आना, इजराइल ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन अब समस्या ये खड़ी है कि भारत ने अभी तक जो विदेशी लोगों के आगमन है उसको नहीं रोका है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। और अगर विदेशी लोग आते रहेंगे और अगर उनमें से एक में भी ओमिक्रॉन आ गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बट गवर्नमेंट का कहना है कि भाई गवर्नमेंट उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है कर रही है। अब बात यह है कि भाई स्क्रीनिंग टेस्ट कितना कारगर रहेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव और नॉट, मतलब जिस व्यक्ति को ओमिक्रॉन होगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसमें होगा, क्या वो कोरोना पॉजिटिव आएगा या फिर नहीं आएगा? तो देखिए, अगर किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट किसी के अंदर होगा तो वो कोरोना पॉजिटिव जरूर आएगा। तो ये चीज़ डॉक्टर्स ने कह चुके हैं, ये एक्सपर्ट्स कह चुके हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव क्या है आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यू वैक्सीन। क्या
ओमिक्रॉन के लिए न्यू वैक्सीन की जरूरत है या नहीं, तो देखिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी वैक्सीन से काम चलाया जा सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए एक स्पेशल वैक्सीन आनी चाहिए, ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है। और विदेशों में इसकी वैक्सीन, न्यू वैक्सीन लाने पर क्या जोरों से चर्चा चल रही है, जिससे कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को वहीं पर रोका जा सके और इसके मामले पूरे विश्व में ना फैले। जैसा आपको मैंने बताया कि 15 देशों में तो ऑलरेडी ओमिक्रॉन फैल चुका है, बट पूरे विश्व में ना फैले, इसलिए क्या है विदेशी सरकारें भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही हैं और न्यू वैक्सीन पर भी काम कर रही हैं। और देखिए अगर बात करें हम लॉकडाउन की, क्या भारत में लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं, तो भाई देखिए अभी तक जब कोई एक्टिव केस नहीं है और आपको पता है कि भाई सरकार क्या है स्क्रीनिंग वगैरह कर रही है विदेशियों की, तो भाई अभी तक जब कोई एक्टिव केस नहीं तो भाई लॉकडाउन किस बात का, किस बात पर क्या है लॉकडाउन लगाया जाए। तो लॉकडाउन की अभी कोई भी सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई भी लॉकडाउन लगाने की कोई भी बात नहीं है, ना किसी शहर में ना किसी राज्य में। अब देखिए एक बात ये भी है, साथ ही साथ अगर कोई विदेशी यात्री आता है और अगर उसमें ओमिक्रॉन पाया गया और वो और लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा और वो पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हो पाया अगर, और वो इंडिया में आ गए, तो भाई ओमिक्रॉन केस बढ़ने लगेंगे। तो जिस जगह ये केसेस आएंगे तो भाई उन राज्यों की सीमा या उन शहरों की सीमाओं को क्या प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो उस केस में क्या है कुछ राज्यों को लॉकडाउन का सामना करना भी पड़ सकता है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है इसकी जो कल्पना है, इसकी जो भविष्यवाणी है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। बट सरकार को कुल मिला के ये जो हवाई सेवाएं हैं इनको क्या है बंद कर देना चाहिए था, जिससे कि कोई भी ऐसे मामले हमारे भारत में ना आ सकें, क्योंकि विदेशों में भी जो सेवाएं हैं एरोप्लेन वाली उनको क्या है प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्या कोरोना की तीसरी लहर आनी चाहिए, क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है यदि ओमिक्रॉन फैलता है। अगर ओमिक्रॉन के केसेस फैलते हैं तो भाई तीसरी लहर को कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर ओमिक्रॉन नहीं आया तो सब कुछ नॉर्मल चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए आपने सारे पॉइंट्स को समझा, लॉकडाउन लग सकता है कि नहीं लग सकता है। अब देखिए आपके जो सुझाव है सरकार को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर सरकार को फोकस करना चाहिए और किन किन गलतियों से बचना चाहिए, वो सब सुझाव आप क्या है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और देखिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो खतरनाक वेरिएंट हैं उनका आना बहुत बड़ी समस्या की बात हो सकती है, तो इसलिए आप कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।